हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों, द वैम्पायर डायरीज और द ओरिजिनल हमेशा से ही सुपरनेचुरल कैटेगरीज वाली सीरीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है और हमारे पास रेगुलरली ये रिक्वेस्ट आती रहती है कि हम द वैम्पायर डायरीज और द ओरिजिनल्स को रिव्यू करें और हिंदी में एक्सप्लेन करें। तो जी हाँ दोस्तों, वैम्पायर डायरीज के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के पांचों ही सीजन के एक बहुत ही क्विक एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने द ओरिजिनल्स को बहुत पहले देखा था तो इस वीडियो को देखकर आप जरूर समझ जाएंगे कि ओरिजिनल्स में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और आपको एक बहुत ही क्विक हाईलाइट मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप एक द ओरिजिनल्स के सच्चे फैन हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। द ओरिजिनल्स की शुरुआत होती है निकलाउस माइकलसन के साथ, जब वो वापस से मिस्टिक फॉल छोड़कर न्यू ऑर्लियंस आ जाता है एक वापस नई शुरुआत करने के लिए। वहां पर उनका हमेशा से घर रहता है। निकलाउस माइकलसन एक ओरिजिनल वैम्पायर है और जब वो न्यू ऑर्लियंस आता है तो उसका जो एक डिसाइपल रहता है मार्सल, वो न्यू ऑर्लियंस में राज कर रहा होता है। वो उस राज को वापस पाने के लिए बहुत कोशिश करता है परंतु वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके बीच में एक विच रहती है जिसका नाम रहता है डेविना क्लेयर। और जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक और विच नजर आने वाला है जिनका नाम रहता है सोफी डेवरॉक्स, जो कि निकलाउस के बच्चे को मारने की धमकी देती रहती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे की बात कहां से आई, सीजन वन में ही आपको ये मालूम चलता है कि हेली नाम की एक वेयरवुल्फ प्रेग्नेंट रहती है। जी हाँ दोस्तों, हेली क्लाउस के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट रहती है और क्लाउस का एक बच्चा होने वाला था और इसी बच्चे को बचाने के लिए सीजन वन में बहुत सारी आपको कश्मकश नजर आने वाली है। एलाइजा और रेबेका और बहुत सारे ओरिजिनल वैम्पायर वापस से लौट कर आ जाते हैं न्यू ऑर्लियंस में और आपको बहुत सारा ड्रामा मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप शायद समझ गए होंगे कि सीजन वन का ओवरव्यू क्या था। आइए हम बात करते हैं कि सीजन टू में क्या होता है। द ओरिजिनल्स का सीजन टू मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद रहता है बाकी सीजन से, लेकिन क्यों? सबसे पहले तो इसकी शुरुआत में यह होता है कि क्लाउस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे वेयरवुल्फ जो होते हैं वो न्यू ऑर्लियंस को अटैक कर रहे होते हैं और उनके पास मूनलाइट रिंग रहता है जिसकी वजह से क्लाउस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। एलाइजा को हेली से थोड़ा सा प्यार होने लगता है और इसी वजह से वो हेली के बारे में बहुत ज्यादा केयर करने लगता है और वो उसे बचाने में ही लगा रहता है। जो कि मार्सल रहता है एक और वैम्पायर, वो एक अपने वैम्पायर के आर्मी को बिल्ड करने में लगा हुआ रहता है ताकि वो न्यू ऑर्लियंस को वापस से अपने कब्जे में ले सके। इन चीजों के साथ और ज्यादा एक्शन एड तब होता है जब एस्थर, जो कि द ओरिजिनल्स की मॉम रहती है, वो वापस से आ जाती है और उनके बच्चों की खात्मा में लगी रहती है। उनके साथ साथ ओरिजिनल वैम्पायर्स कॉल और फिन भी एस्थर के साथ ही रहते हैं और वो लोग भी क्लाउस और एलाइजा बाकी लोगों की बर्बादी चाहते हैं। इसके साथ साथ क्लाउस को खतरा होता है अपने फादर माइकल से, जो कि रेजरेक्ट हो जाता है और क्लाउस को मारने में लगा रहता है, लेकिन क्लाउस बहुत ज्यादा वीक रहता है इसलिए उसकी ज्यादा पावर्स नहीं रहती। तो सीजन टू में ओवरऑल ये सभी चलता रहता है और इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्शन और बहुत ज्यादा ड्रामा नजर आने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं कि सीजन थ्री में क्या होती है। सीजन थ्री भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। सीजन थ्री में होप माइकलसन पैदा हो जाती है और क्लाउस और एलाइजा को ये भी मालूम चलता है कि एक नया टेरर होप को अटैक करने वाला है, जो कि रहती है एस्थर की बहन दालिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दिखाया जाता है उसमें कि एस्थर ने वादा किया था कि जो भी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होगा उनके फैमिली में वापस से, तो वो दाहिला को सौंप देगी और इसी वजह से दाहिला का हक होता है होप पर, बट वो लोग होप को देना नहीं चाहते उसे और उसी की वजह से होप को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है क्लाउस और एलाइजा। बाकी सीजन के अंदर आपको आगे फ्रेया माइकलसन भी नजर आने वाली है, जो कि क्लाउस और एलाइजा की लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर रहती है। वो एक विच रहती है और वो उनकी मदद करती है, बट क्लाउस और एलाइजा को स्टार्टिंग में दिक्कत होती है उसके बाद एडजस्ट करने में, बट धीरे धीरे चलकर वो एडजस्ट हो जाते हैं और फ्रेया उनकी तरफ ही रहती है। इस सीजन में वापस से मार्सल और डेविना मिलकर वापस से पूरे शहर को रूल करती है और इसमें आगे आपको वापस से एक और नया विच नजर आने वाला है जिसका नाम रहता है विंसेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लगता है मुझे सीरीज के अंदर। सीजन फोर में आते आते द ओरिजिनल फैमिलीज को और ज्यादा बड़े खतरे का सामना करना रहता है जिसका नाम रहता है द होलो। द होलो होप को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और माइकलसन फैमिली से ज्यादा पावरफुल रहता है। इसी वजह से माइकलसन फैमिली को हेल्प लेने के लिए उनके सारे एनिमीज से रियूनाइट होना पड़ता है, जैसे कि हो गए विच और वेयरवुल्फ, लेकिन कोई भी स्टार्टिंग में तैयार नहीं होते, लेकिन वो फिर धीरे धीरे तैयार हो जाता है और फिर वो लोग बाद में साथ में मिलकर द होलो का मुकाबला करते हैं और सीजन के एंड में आते आते द होलो मर जाता है। इस सीजन में आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और बहुत ज्यादा इमोशंस दिखने वाले हैं। एलाइजा एक बहुत ही इमोशनल स्टेज में रहता है इस सीरीज के अंदर, इस सीजन के अंदर। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेली ये भी चाहती है कि होप इस सबसे खतरे से निकल जाए, इसी वजह से वो होप को लेकर भाग जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कंक्लूजन ये कि सीजन के अंदर आपको द होलो से मुकाबला देखने वाला है और आपको विंसेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नजर आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि विंसेंट ही लास्ट में होलो को दो टुकड़ा में कर देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सीजन फोर के एंड में आते हैं सब कुछ माइकलसन फैमिली अपनी खो देते हैं और होलो के स्पिरिट को जब वो आधा आधा टुकड़ा कर लेते हैं, आधा डार्क एनर्जी एलाइजा के अंदर रहता है और आधा डार्क एनर्जी क्लाउस के अंदर रहता है और वो दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते, इसलिए वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इसी वजह से
जो होप है उसे वो लोग सेल्वेटर बोर्डिंग स्कूल, जो कि वो स्कूल को चलाता है कैरोलाइन, ताकि वो उसे नजर रख सके होप पर, इसी वजह से वो होप को वहां पर भेज देते हैं। लेकिन होप से रहा नहीं जाता और वो बाद में साथ में बुलाते हैं, और इसी के वजह से बहुत सारा ब्लडशेड आपको नजर आने वाला है सीजन 5 के एंड में आते आते। और जैसे ही सीजन 5 के एंड में आ जाता है तो सीरीज बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट पे आ जाता है, क्योंकि क्लाउस और एलेजा अलग अलग हो जाते हैं और होप अकेले रह जाती है आखिर में। और इसी के साथ शुरुआत होती है लेगेसीज की। मैं आपको ये बता दूं जिसमें आपको सेल्वेटर बोर्डिंग स्कूल में जो भी सीन्स दिखाए गए हैं, और लेगेसीज अभी चालू है और अमेजन प्राइम पर आपको देखने को मिल जाएगी। हम लेगेसीज के ऊपर भी बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हमें यही रिक्वेस्ट आती रहती है कि हम लेगेसीज को भी हिंदी में रिव्यू करें। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपको द पूरा ओरिजिनल का एक हाईलाइट मिल चुका होगा पांचों सीजन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।